नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीम और आज हम आए हैं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे त्यागराज स्टेडियम है और भाई त्यागराज स्टेडियम आने की वजह सिर्फ और सिर्फ आज जो कि जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई से भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और 19 प्रोडक्ट जो हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उनको बैन कर दिया गया है। तो आज हम इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर विकल्प मेला लगाया गया है, तो अंदर विकल्प मेला में चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है कि कौन कौन से विकल्प हैं प्लास्टिक के और किस तरीके से हम प्लास्टिक को ना कह सकते हैं। आज आपके लिए एक खास वीडियो होने वाली है, खास इसलिए क्योंकि आज 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार की तरफ से बैन कर दी गई है और उसके विकल्प के लिए एक विकल्प मेला लगाया गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरीके से ये विकल्प मेला है या है। और देखिए आप, बंबू से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, कितने शानदार। और देखिए मोबाइल फोन होल्डर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अच्छा भाई साहब, कितनी कीमत होगी इन मोबाइल फोन होल्डर की और क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं? प्रोडक्ट सर बंबू के हमारे पास बहुत सारे हैं, इसकी बोतलें आती हैं और मोबाइल स्टैंड है, बास्केट है, बहुत सारे आइटम ऐसे बंबू से हम तैयार करते हैं। अच्छा, कितने से स्टार्टिंग होती है और कहाँ तक ये प्रोडक्ट आपके जाते हैं? 50 रुपीज़ से लेके फिर 1500 तक भी है हमारे पास आइटम, 2000 तक भी आइटम है इसके। देखिए इसी तरीके से और भी कई सारी स्टॉल लगाई हुई हैं और सबसे खास बात देखिए यूनिक इस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ किस तरीके से जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है। और किन किन प्रोडक्ट्स के लिए आपने अभी तक बनाया है ये? तो सोफ़ा तो अभी हम लोग FMCG और वाइट गुड कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। FMCG जो आपकी फास्ट मूविंग गुड्स कंपनी होती है एंड वाइट गुड कंपनीज जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होती हैं, सो वहाँ पे अभी हम लोग अपना स्टेप आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वी आर मूविंग ऑल्सो ऑन टू हैवी मोटर प्रोडक्ट्स एंड आपका हैवी मशीनरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। थर्माकोल से और इसकी प्राइस की बात करें किस तरीके से अलग है? सो वी आर कॉस्ट इफेक्टिव इन नेचर टू थर्माकोल, ज़्यादा एक्सपेंसिव या ज़्यादा सस्ते नहीं है हम लोग। वी आर ऑन द रेंज ब्रैकेट ऑफ थर्माकोल इटसेल्फ, बट हमारा हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि आप मुझे कोई बड़ी बॉटल दोगे तो उसका एक डिफरेंट कॉस्ट होगा, छोटी बॉटल दोगे तो उसका डिफरेंट कॉस्ट होगा। किस तरीके से और भी कई सारी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई हैं और बंबू से देखें कितने शानदार आइटम बनाए हुए हैं। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर निशा त्रिपाठी। क्या क्या आइटम आपने बनाए प्लास्टिक से जो लोग बच सकें और उनकी जगह इस चीज़ को इस्तेमाल करें? देखिए हम जो है ना इको फ्रेंडली आइटम्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, उसमें बांस के, वुड के, जूट के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसा कि हम डेली यूज़ में जो बैम्बू स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, तो बेसिकली उसका रिप्लेसमेंट है बैम्बू स्ट्रॉ, तो वो चीज़ हम प्रमोट कर रहे हैं। बैम्बू के टूथब्रश हैं, बैम्बू के ईयरबड्स हैं, जनरली ये सारी ही चीज़ें मार्केट में आपको प्लास्टिक में मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम रिप्लेस कर रहे हैं। प्लस ये कार्ड होल्डर है, मोबाइल स्टैंड है। प्लास्टिक के जो आइटम हैं और जो ये आपने आइटम बनाए, इनकी प्राइस में अगर बात करें तो किस तरीके से समानता है या फिर इनके प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव है? देखिए प्लास्टिक के आइटम तो बहुत ही चीप रेट में आपको मिलते हैं, लेकिन ये एक कारीगर द्वारा बनाए जाते हैं जो बेसिकली आर्टिसंस होते हैं, तो ये उसके कंपैरिजन में थोड़े कॉस्टली होते हैं। देखिए ज़रूर थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो प्लास्टिक है उसको छोड़ना पड़े
इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं प्लास्टिक नुकसान पहुंचाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग आए हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने आए हैं किस तरीके से आप प्लास्टिक को छोड़ सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। कितनी शानदार प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी अच्छी, जो क्योंकि 1 जुलाई से जो भारत सरकार ने प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम को बैन किया गया है। और आप देख सकते हैं मिट्टी के इस्तेमाल से किस तरीके के सुंदर यहाँ पर बनाए गए हैं। और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ किस तरीके से, और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा किस तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकल करके इस तरीके के आइटम बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं चेयर बैठने के लिए बनाए गए हैं, काफ़ी शानदार यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और ये देखिए मिट्टी के कितने शानदार प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, चाहे वो बर्तन की बात कर लें, इनमें आप कुकिंग कर सकते हैं। और देखिए किस तरीके से मिट्टी का फ्रिज भी यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर लगाई गई हैं कहीं ना कहीं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया और कितने लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, आप भीड़ से ही अंदाज लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो भी पहुँच चुके हैं, गोपाल राय, कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार ये सरकार की पहल है। और इसमें अन्य राज्य की सरकार भी लगातार भारत सरकार का साथ देती हुई आ रही है। और प्लास्टिक के यूज़ से किस तरीके से बचा जा सकता है और उनके क्या विकल्प हैं, वो इस प्रदर्शनी में दिल्ली में आज लगाए गए हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आज जो है मेला लगाया गया है, विकल्प मेला। ये हमारे कमल भाई हैं, कैसा लगा आपको मेला? मेला बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है और आज जो प्लास्टिक बैन करने का जो इन्होंने निर्णय ले लिया है, हाँ, बहुत ही सराहनीय है। और मंत्री जी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने स्टॉल का जो है बच्चों को स्टॉल भी देखे और जो आइटम जो बने थे बैम्बू से बने हैं, जिस तरीके से कहा गया था कि 1 जुलाई के से दिल्ली के अंदर और सभी जगह में प्लास्टिक बैन हो जाएगी, इसके लिए भी उन्होंने बात कही थी। अच्छा ये बताइए, अब जो प्लास्टिक को बैन हो गई है, आपसे अगर आपकी राय पूछी जाए तो क्या आप प्लास्टिक का यूज़ आज से बंद कर देंगे? प्लास्टिक का यूज़ देखिए एकदम से तो बंद हो नहीं सकता, इसके लिए तो क्या समय लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से प्लास्टिक को बैन करने की बात करी थी, और कोशिश यही रहेगी कि हमारी भी क्या प्लास्टिक बैन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देखा प्लास्टिक तो बैन हो गई है, कहीं ना कहीं यदि आप प्लास्टिक का उपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी और जुर्माना भी लगाएगी, यानी कि जो पर्यावरण की जो स्वच्छ बनाने की जो पहल है सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, आपको भी एक कदम आगे बढ़ के चलना होगा और सरकार के कंधों से कंधे मिलाकर जो ये प्लास्टिक है इसको हटाना होगा और कहीं ना कहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।